हेलो गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। मेरा नाम है माही और मैं यहाँ पे एक नई पेंटिंग लेके आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे आज क्या करना है। आपको इस पेज के हाफ हाफ में रेड कलर कर लेना है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं टूथब्रश फिर से ले रही हूँ, भले ही मेरे पास पेंट ब्रश ही क्यों ना हो, भले ही मैं टूथब्रश ही ले रही हूँ। तो आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये हो चुका है और आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से हो चुका है। मैंने हाफ साइड करा है, बस यहाँ से थोड़ा इतना और यहाँ से थोड़ा इतना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है मैंने रात में बनाई थी पेंटिंग, तो आप देखें। आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं। ओके सो गाइज, आप यहाँ पे थोड़ी पहाड़ी जो चट्टान रहती है ना हवा में उड़ना, उस टाइप का बना लूँगी। और उसके ऊपर थोड़ी यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर रहेंगे, पेड़ बना रहेगा इधर। मैं बनाई नहीं हूँ पर बना रहेगा। और एक उसके बाद पहले आपको बताती हूँ कैसा है बनेगा। गाइज, मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। मैंने ब्लैक पेंट से किया है और पेंट ब्रश का यूज़ किया है। तो आप भी कुछ थोड़ा आप चाहे तो डिज़ाइन दे दें इसे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अब इसको थोड़ा इधर से भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे कर देंगे, यहाँ हल्का ब्लैक और ब्राउन कलर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस इतना यहाँ पे ग्रीन और डार्क ग्रीन और पेड़ बने रहेंगे। सो आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे यहाँ पे ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर करना था, मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस, मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे नदियाँ भी बनाएंगे, जैसे पानी यहाँ से नीचे गिरेगी, तो नदियाँ इस तरफ से आए के याद ही होगा किधर पेड़ बना रहेगा। सो हम बना के देखते हैं। सो गाइस, नदियाँ अभी कुछ बन चुकी है और आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन ये सब क्या है। तो हम यहाँ पे वो पत्थर बनाने की कोशिश करूँगी और यहाँ थोड़ी घास भी बना दूंगी, क्योंकि यहाँ घास के साथ ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। इधर भी बनाना है तो इधर भी मैं बना लूँगी और उसको कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे इतना बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ ये कलर हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे यहाँ पेड़ के जस्ट साइड में हम एक चांद बनाएंगे, येलो कलर से बनाएंगे और बहुत ध्यान से बनाएंगे, सही सूरज बनाएंगे, चांद नहीं सूरज, तो ध्यान से बनाइएगा। सबसे आपको जो भी यहाँ पे सबसे प्यारा लगा वो आप हम मुझे जरूर कमेंट्स करेगा और मैं आपको चांद बना के दिखाती हूँ। पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबसे अच्छा जो भी लगे आप उसे बताइएगा मुझे बिल्कुल, और आपको जितना भी अच्छा लगे प्लीज मुझे शेयर कर कमेंट्स में बताना। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने येलो कलर से सन बनाया है और आप इसको समझ सकते हो कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि मेरी आगे की नई नई वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी।